Hello students, how are you? I hope that you are safe and fine and working hard about your study. So I am teaching you the first chapter, that is chemical reaction and chemical equation. And the topic is displacement reaction. Displacement reaction. So question is arised, what is displacement reaction? So a reaction in which one part means an atom or a molecule or group of atoms of a molecule is replaced by another is called displacement reaction. And this displacement reaction is also known as the substitution reaction. Okay, तो इसमें displacement reaction क्या होता है, पहले जो atoms या group of atoms होते हैं वो जो है उस molecule से जो है दूसरे atoms या molecules को क्या करते हैं या group of atoms को replace कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो जाके जो है ऐड हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जैसे एग्जांपल, जनरली हम जो है इसको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि सपोज दैट कोई भी एटम्स है ए और यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स है बी सी, ठीक है, दैट इज़ द रिएक्टेंट पार्ट. जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ए जो है बी को डिस्प्लेस करता है और सी के साथ जो है वो क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो जाता है. तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाता है, ए सी से जुड़ जाता है और बी को यहाँ से वो डिस्प्लेस कर देता है. अब ऐसा क्यों होता है, क्यों जो है यहाँ से ए जो है सी बी को डिस्प्लेस कर देता है और सी के साथ अटैच हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो ए होता है दैट इज़ द मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ बी, ठीक है. ये मेटल हो सकता है, तो ये जो मेटल होगा, जो एटम होगा, ये दैट विल बी द मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ बी एंड बी, तो वो जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा और सी के साथ जाके अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है. तो इस रिएक्शन को हम जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है. इसको एक नाम और लिख सकते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही एटम्स जो है क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, इसलिए इसको जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स जो है हो सकते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन जिंक एंड मैग्नीशियम, ठीक है. ये सभी क्या है, मेटल्स हैं. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और जानना होगा, दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, या हम उसको रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, या एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, अगर हम मेटल्स को उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग घटते हुए क्रम में अरेंज कर रहे हैं, तो उस जो हमें सीरीज प्राप्त होता है उसको हम जो है एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं. तो इसमें जो है रिएक्टिविटी सीरीज में होता है, बहुत सारे मेटल्स को जो है रिएक्टिविटी सीरीज बनाया गया है, जैसे कि आपका
लिकबा, इसको हम लिथियम है, पोटेशियम है, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, सर का नाम जी अल मन जन कर फी कड को नी सन पब। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मिड में आता है। उसके बाद से आपका आता है हज मरकरी, सु कापर, अज हज अज एयू गोल्ड एंड पीटी प्लेटिनम, ठीक है। तो ये इस सीरीज को जो है हम बोलते हैं एक्टिविटी या जो है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या कह सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उनको उनकी रिएक्टिविटी घटती हुए रिएक्टिविटी के क्रम में अरेंज किया गया है, ठीक है। जिसमें जो है लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम इज लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव देन दैट ऑफ पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ बेरिलियम, ठीक है। इस तरह से जो है हर जो एलिमेंट है वो अपने ऊपर वाले एलिमेंट से क्या है, कम रिएक्टिव है या कम एक्टिव है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है मिड में पड़ता है, तो हाइड्रोजन जो है मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव है। फिर इधर जो हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स हैं दे आर द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। लेस रिएक्टिव गोल्ड एंड प्लेटिनम आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स, या हम इसको जो है नोबल मेटल भी कहते हैं। नोबल मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनरली जो है वाटर एयर से जो है रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको लेस रिएक्टिव सबसे नीचे क्रम में रखा गया है। इसलिए जो है जो गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, कॉपर हुआ, इनका इस्तेमाल जो है आभूषण या बर्तन बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये जो है वाटर से या फिर जो है मॉइस्चर से, एयर से जो है रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट यू, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, लिख बा सर का नाम जी अल मन जन कर फी कड को नी शन पब एच टू हाइड्रोजन हज सु अज ए यू पट, इस तरह से ये इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अब जो है ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे लिथियम पोटेशियम को, अगर लिथियम और पोटेशियम का कहीं पे रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे लिथियम जो है पोटेशियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। पोटेशियम जो बेरिलियम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन जिंक एंड मैग्नीशियम, तो यहाँ पे आयरन जिंक और मैग्नीशियम जितने भी हैं वो क्या है, कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसलिए जो है वो कॉपर को जो है उसके साल्ट सॉल्यूशन से वो क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ पे खुद जाके जो है क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा या अटैच हो जाएगा। अब रिएक्शन हम कैसे देखेंगे, रिएक्शन पहला रिएक्शन है कॉपर Fe आयरन कॉपर सल्फेट के साथ जब जो है रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है FeSO4, फेरस सल्फेट का लाइट ग्रीन कलर हमें प्राप्त होता है और कॉपर को ये क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, जो कि कॉपर का हमें जो है रेडिश
कलर हमें दिखाई देता है। फिर आपका कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्ट करते हैं जिंक से, तो जिंक भी क्या है, कॉपर से काफ़ी रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव है, तो इसलिए जो है इस साल्ट सॉल्यूशन से जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे ZnSO4 और कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर है वो रेडिश कलर में फॉर्म होता है और ये जिंक सल्फेट का जो है कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। फिर आपका जब कॉपर सल्फेट जो है रिएक्ट करता है मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कॉपर, तो ये बना लेता है MgSO4 का कलरलेस, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है का कलरलेस सॉल्यूशन बनता है और कॉपर का जो है रेडिश कलर जो है वहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है, दूसरा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव हैलोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय अ मोर रिएक्टिव हैलोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव हैलोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय अ मोर रिएक्टिव हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं, जो सेवेंथ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, यानी कि पी ब्लॉक में सेवेंथ ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है हैलोजन ग्रुप कहते हैं या हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे पहला जो रिएक्शन है वो क्या है कि पोटेशियम ब्रोमाइड जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का कलरलेस सॉल्यूशन को जब जो है क्लोरीन गैस के साथ या क्लोरीन एक्वस फॉर्म में होता है, तो इसके साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो ये फॉर्म करता है 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस Br2 ब्रोमीन जो है एक्वस फॉर्म में हमें प्राप्त होता है और इसका जो कलर होता है वो गाढ़े येलो से ऑरेंज कलर में ये फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरा तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो पोटेशियम ब्रोमाइड है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या कर देता है, अलग कर देता है और जो है वहाँ पे खुद जाके जो है डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल है 2Ki पोटेशियम आयोडाइड जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है, जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन एक्वस सॉल्यूशन से तो यहाँ पे भी जो क्लोरीन होता है दैट इज़ द मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ आयोडीन, तो यहाँ से आयोडीन को ये डिस्प्लेस कर देता है और ये बना देता है 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस हमें I2 एक्वस फॉर्म में प्राप्त होता है जो कि डीप ब्राउन कलर का होता है, डीप ब्राउन कलर हमें प्राप्त होता है आयोडीन का। तो ये यहाँ पे भी जो एग्जांपल है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही है क्योंकि यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड है, आयोडीन जो है वो क्लोरीन से क्या होता है मोर लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए क्लोरीन जो है आयोडीन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद जो है जाके पोटेशियम से अटैच्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है
displacement of hydrogen, displacement of hydrogen from acids by active metals. तो यहाँ पे एसिडिक कोई सॉल्यूशन है, वहाँ से अगर कोई एक्टिव मेटल है वहाँ से वो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि जिंक है, जिंक का जब रिएक्शन जो है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्योंकि अगर एक्टिविटी सीरीज में देखें तो जिंक का प्लेस जो है हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, तो इसलिए ये जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद जो है क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है और ये बना लेता है ZnCl2 जो कि एक साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ से निकलती है। इसी तरह से जिंक जब जो है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे भी जो जिंक है वह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। ओके, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पे रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है क्या है, मोर रिएक्टिव है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए जो है जिंक हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाके जो है सल्फेट के साथ जो है सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है रिएक्शंस थे आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ओके, सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स।